You don't love me. Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's Arshad Said and you're watching Arshad Vlogs. तो आज हमारे साथ है ऑल न्यू 2021 इनोवा क्रिस्टा 2.4 लीटर VX मैनुअल. तो इस गाड़ी में क्या है क्या नहीं है हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा. जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आऊंगा हमेशा नए गाड़ी के साथ, तो मैं बिल्कुल वैसे ही आ चुका हूँ इनोवा क्रिस्टा के साथ ब्लैक. वो भी स्पेशल एडिशन है जो ऑन डिमांड और ऑन ऑर्डर बनते हैं. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं जाता हूँ और इस जो गाड़ी रिव्यू का प्रक्रिया है उसे स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आपको तो पता है भाई एवी के साथ जो भी होता है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता है. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए जल्दी से चलते और दिखाते इस गाड़ी में क्या है क्या नहीं है. लेट्स गो. सो हेलो एवरीवन, शुरुआत करते हैं इसके चाबी से. चाबी देख सकते हो बहुत ही स्टैंडर्ड रखा गया. फॉर्चुनर का भी सेम टाइप का चाबी है. मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मैं इसको क्या कहूँ, सिंप्लिसिटी या फिर कॉस्ट कटिंग, बट इट लुक्स सुपर्ब. यहाँ पे देख सकते हो लॉक अनलॉक बटन है. जब आप इसको लॉक करते हो तो ORVMs अपने आप क्लोज नहीं होते, मतलब ऑटो ORVM क्लोज वगैरह वो सब कुछ फीचर नहीं है. फ्रंट लुक आप देख सकते हो काफ़ी, मतलब जो है ना प्रीमियम टाइप फील आता है. इनोवा ने पूरा एक्सटीरियर में बहुत काम किया. देख सकते हो यहाँ पे फ्रंट ग्रिल वो भी पियानो ब्लैक फिनिश में, द ग्रैंड लोगो इटसेल्फ, और फिर यहाँ देख सकते हो तो काफ़ी क्रोम वर्क जो यहाँ से स्टार्ट होके पूरा यहाँ से आके पूरा फेसलिफ्ट जो है ना पूरा अच्छे से, मतलब वो फ्रंट लुक विजिबल है. टर्न इंडिकेटर्स LED प्लस हेलोजिन DRL डायमेंशनल लाइट्स, और फिर यहाँ देख सकते हो टर्न इंडिकेटर्स और इसका फॉग लैंप यहाँ पे छोटा सा दिया गया है. व्हील्स देख सकते हो देखने में 16 इंचेस जैसा लग रहा है, लेकिन 16 इंच नहीं है, 17 इंच व्हील है. ये आफ्टर मार्केट लगाया गया है. साइड प्रोफाइल है, बहुत ही प्यारा लगता है. सबसे पहले हम लोग जाते हैं इसके बूट स्पेस देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे इसके अंदर. रियर प्रोफाइल आप देख सकते हो. रियर प्रोफाइल में एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा जो नापसंद है, बैक गियर पे डालते तो सिर्फ ये वाइट लाइट एक ही जलती है यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, तो ये कुछ अजीब दिखता है पीछे से. और बूट स्पेस काफ़ी बड़ा है. ये सीट्स ऊपर करके अगर रखते हैं तो बूट स्पेस और भी डबल हो जाती है. अगर इसको ऐसे सीधा नीचे डालते हैं बूट स्पेस सफिशियंट रहता है जितने पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं उनके लिए भी. थर्ड रो का बीच का हेडरेस्ट यहाँ पे रख सकते हो. लॉक अनलॉक करके यहाँ पे सब एक्स्ट्रा जो है इक्विपमेंट्स रखे गए हैं टायर चेंजिंग के. यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा लाइट दिया गया है. एक चीज़ मिसिंग है और वो है चार्जिंग सॉकेट. तो अभी मैं कर देता हूँ इसको बंद. कोई भी बटन नहीं है, बिल्कुल भी मैनुअल है. ये दिख गया मुझे रियर कैमरा जो पीछे है, ये रियर वाइपर. तो अंदर जाके जो जो चीज़ें हैं ना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. सबसे पहले जब मैं इसको खोलता हूँ, डुअल टोन नहीं है, सिंगल टोन है. एक चीज़ जो बहुत ही अच्छा चीज़ है, यहाँ पे लाइट्स जलते हैं जैसे आपने देखा है यहाँ पे. और ये देख सकते हो आफ्टर मार्केट 70 मैट्स है. तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी जाते हैं अंदर और जो जो बातें अंदर जाके करते हैं. तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक कलर है. स्पीकर है, कोई भी JBL हरमन गार्डन कुछ भी मेंशन किया नहीं गया है. ये देख सकते हो बिल्कुल ब्लैक है, कोई डुअल टोन नहीं है, कुछ भी नहीं. लेकिन जो कर्व है यहाँ पे बहुत ही सुपर कूल लगते हैं और काफ़ी कन्वीनियंट अपने हाथ यहाँ पे रखने के लिए, जैसे आप देख सकते हो. और यहाँ पे है ORVM कंट्रोल्स, जैसे ये देख सकते हो ORVM फोल्ड अनफोल्ड. यहाँ पे देखो क्रोम फिनिश दिया गया है जो बहुत ही अच्छा दिखता है. ये पियानो ब्लैक टाइप फिनिश दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा ब्लैक है तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखता है और बहुत ही प्रीमियम दिखता है. ग्लास लॉक अनलॉक, तो ये बहुत ही एक अच्छा चीज़ दिया गया है. सिर्फ ड्राइवर साइड से कंट्रोल दिया गया है, वन टच अप डाउन, तो ये बहुत ही एक प्रीमियम टच दिया गया है यहाँ पे. फ्यूल लिड को खोलने के लिए, ये बोनेट को खोलने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से फिनिश दिया गया है. मतलब ऐसा लगता है कि वन पीस डैशबोर्ड है. टोयोटा फॉर्च्यूनर पे भी यही यूज किया जाता है. जैसे ये यहाँ से जाके फिनिश हो रहा है, यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग दिया गया है जो इस कोने से शुरू होकर पूरा यहाँ तक जाता है. ये भी काफी प्रीमियम दिखता है. और यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा सा वुडन फिनिश दिया गया है, काफी प्यारा लगता है. कप होल्डर्स और बॉटल होल्डर्स का तो इस गाड़ी पे कोई भी कमी नहीं है. बॉटल होल्डर्स नीचे भी देख सकते हो. माना जाता है कि इस गाड़ी में ऐसे 27 लीटर पानी का होल्डिंग कैपेसिटी है. अगर मानो 1 लीटर का बॉटल है तो 27
7 वाटर बॉटल्स आप रख सकते हो पूरे गाड़ी में। इन्फोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही स्टैंडर्ड साइज है। और फाइनली टोयोटा इनोवा ने एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। बहुत ही लेट था बट देर से आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट आए तो सही। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, रियर का भी यहाँ पे है, रियर ऑन ऑफ, और छोटा सा डिस्प्ले रखा गया, काफी ओल्ड स्कूल टाइप रखा गया चीजों को। लेकिन बिल्ड क्वालिटी कुछ ऐसा है ना, यहाँ पे देख सकते हो हार्ड फिनिश है, यहाँ पे भी देख सकते हो हार्ड प्लास्टिक है, और मतलब बिल्ड क्वालिटी से गाड़ी लगता है कि ये गाड़ी बहुत ही लंबा टिकेगी। स्टेयरिंग देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे लेदर स्टिच्ड है, और ये जो जगह है ना फिर से वो वुडन टाइप फिनिश दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो एनालॉग ऑटोमीटर, फ्यूल मीटर, और यहाँ पे आरपीएम मीटर, तो बिल्कुल ही सिंपल ओल्ड स्कूल टाइप रखा गया। और बीच में है एमआईडी डिस्प्ले, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, ये देख सकते हो आप, आपको इसमें हर एक चीज आपको दिख जाएगा, फ्यूल कंजम्पशन, इको इंडिकेटर, जो जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रहता है सब यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। स्टेयरिंग के राइट साइड पे आप देख सकते हो इससे आप कंट्रोल कर पाएंगे एमआईडी डिस्प्ले को, और लेफ्ट साइड से आप इन्फोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ इस गाड़ी में पेडल शिफ्ट ऑफकोर्स नहीं दिया गया, लेकिन क्रूज कंट्रोल का यहाँ पे एक छोटा सा दिया गया, आप देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ट्रैक्शन ऑन ऑफ, पावर मोड, इको मोड, दो ही मोड है गाड़ी में। अगर आप सिटी में चला रहे हो तो इको मोड, बाहर कभी रश चलाना चाहते हो तो पावर मोड। यहाँ पे पैसेंजर्स एयरबैग का हमेशा लोगो जलता रहता है। यहाँ पे शायद से वायरलेस चार्जर दिया नहीं गया, फिर से 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, फिर यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का एक पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट, तो ये सब चीजें है ना काफी अच्छे से यहाँ पे दिए गए है। ग्लव बॉक्स आप देख सकते हो गाड़ी के हिसाब से बिल्कुल सफिशियंट स्पेस है। अंदर से इनोवा क्रिस्टा कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ओल्ड स्कूल और प्रीमियम टाइप का जो फील है ना, सिंपल एंड सोबर टाइप का फील है, वो आप यहाँ से ले सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग जाते हैं पीछे, पीछे जाके मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या है क्या नहीं है पीछे, और फिर थर्ड रो का जो कंफर्ट है थर्ड रो में क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक चीज जो यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और वो है, यहाँ के लाइट्स देख सकते हो हेलोजन दिए गए हैं, एलईडी नहीं दिए गए हैं। ये इनोवा कुछ कॉस्ट कटिंग करती है यहाँ पे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मूड लाइट्स, मूड लाइट्स यहाँ पीछे भी है, मूड लाइट्स के इंटेंसिटी जो पावर है वो आप बढ़ा सकते हो यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे अच्छे कंट्रोल्स है, यहाँ पे देख सकते हो ग्लास होल्डर, फिर मिरर है, विनिटी मिरर, लाइट दिया गया है वो आपका व्लॉगर भाई एवी है। पैसेंजर साइड पे भी देख सकते हो अच्छे से वेनिटी मिरर दिया गया है विथ लाइट, जैसे ये रियर मिरर हो गया। आज के जमाने में हर एक गाड़ियों का मतलब ऑटो डिमिंग फीचर रहता है या फिर मतलब ऑटो कार कनेक्ट ये सब रहता है, लेकिन टोयोटा के कॉस्ट कटिंग मेथड इतना सिंपल मिरर, इतना सिंपल ये रियर मिरर दिया जाता है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आजकल के हर एक गाड़ियों में मतलब ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक रहता है, लेकिन यहाँ पे ये मैनुअल रखा गया है। ड्राइवर्स आर्मरेस्ट और ग्लव बॉक्स भी, सफिशियंट अमाउंट ऑफ स्पेस है यहाँ पे। एयर प्यूरिफायर भी दे सकती थी गाड़ी, लेकिन टोयोटा इनोवा का अलग ही वो रहता है, अलग ही उनका चलता रहता है। तो अभी जल्दी से चलता हूँ पीछे और बाकी बातें पीछे जाके आपके साथ करता हूँ। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ पीछे, और पीछे बैठ के जो फील है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पीछे बहुत ही सफिशिएंट स्पेस है, आप देख सकते हो ट्रे टेबल है, आराम से आप लैपटॉप, कप होल्डर और जितने भी चीजें है ना सब आप इस पे रख सकते हो। बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है जब गाड़ी में आप ऐसा टेबल ट्रे टेबल रहता है। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो पाउच है छोटा सा, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, ये देख सकते हो आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट में फिर से कप होल्डर, कप होल्डर और बोतल होल्डर का कोई भी कमी नहीं दिया गया इस गाड़ी में। फिर से मैं इसको बंद कर देता हूँ। बीच में भी एक हेडरेस्ट दिया गया है, इसको आप जब बंद कर दोगे तो फिर कंफर्टेबल सीट यहाँ पे दिखता है। ये लेदर सीट्स नहीं है लेकिन फिर भी जो सीट्स है बहुत ही कंफर्टेबल है, काफी बड़े है साइज में। और बेस्ट चीज है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो एलईडी नहीं, हेलोजिन दिया गया है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है हेलोजिन। शायद से एलईडी दे सकते थे लेकिन कंपनी ने दिया है हेलोजिन। और ये जो चीज़ है ना बहुत ही प्यारा दिखता है जब एक लंबे ड्राइव पे जाते हैं या फिर कोई भी ड्राइव पे, मूड एम्बिएंट लाइट जो है ना आपके मूड को पूरा चेंज कर देती है। ये रियर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे भी है ब्लोअर्स, यहाँ पे देख सकते हो। और थर्ड रो में आज नहीं जा पाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं आपको थर्ड रो में बैठ के दिखाऊंगा और लेग रूम कितना है दिखाऊंगा। बट देन पीछे देख सकते हो लेग रूम बहुत सफिशियंट है और एक्स्ट्रा बहुत स्पेस है। पीछे से जो सेंटर कंसोल दिख रहा है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं थर्ड सेकंड रो से निकल जाता हूँ, बैक सीट से निकल जाता हूँ, और इस गाड़ी को लेकर मैं जाता हूँ। ड्राइव फील है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको तो पता है भाई एवी के साथ जो भी होता है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं। सो फाइनली गाइस मैं इस गाड़ी को लेके निकल चुका हूँ रास्ते में। ऑन रोड जो ये गाड़ी चला के मुझे जो फील मिलता है ना वो मतलब क्या ही बोलूँ आपको, इनोवा इनोवा ही है। और इनोवा क्रेस्टा तो मतलब नेक्स्ट लेवल ही इनोवा ने इसको पुश किया है। मतलब जो
एक आपको पावर जो है ना वो फील होगा अंदर से। और यहाँ पे दो मोड भी दिए गए हैं प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकलिटी काफी सही है गाड़ी का, जैसे इको मोड भी है पावर मोड भी है। जब हम गाड़ी पावर मोड पे डालते हैं ना बॉस, तो गाड़ी का मतलब क्या ही बोलूँ आपको, बिल्कुल अलग ही लेवल पे चली जाती है गाड़ी। मतलब लगता ही नहीं कि इनोवा क्रिस्टा चला रहा हूँ मैं, लगता है मैं ऐसे कुछ दूसरे ही गाड़ी चला रहा हूँ। जैसे मैं अभी इसको पावर मोड पे डालता हूँ, यहाँ पे है पावर मोड, जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो गाड़ी का साउंड ही बदल जाता है। और अभी मैं आपको सुनाऊंगा कि गाड़ी का साउंड कैसे आता है। मतलब इंस्टेंट पिक भाई साहब, वो जो मजा है ना, जो थ्रिल है गाड़ी चलाने में, वो पावर मोड पे आप चला सकते हो। कुछ चीजें ऐसे हैं जो मुझे इस गाड़ी का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया, जैसे ये ऑटो डिमर हो गया, बैक गियर पे लगाते हो तो जो लाइट जलता है वो हो गया, और काफी सारी चीजें जो इस इनोवा टोयोटा क्रिस्टा में डालना चाहिए जो मुझे पसंद नहीं है। और काफी सारे ऐसे भी चीजें हैं जो इनोवा क्रिस्टा, इस नए इनोवा क्रिस्टा में डाला गया है। आपको व्हाइट कलर इनोवा क्रिस्टा काफी सारे दिख जाएंगे, लेकिन ब्लैक कलर जो है ना बॉस, ये बहुत ही कम आपको दिखेंगे, क्योंकि ये ऑन डिमांड बनती है। और जब आप ऑर्डर करोगे तो आपको 3 months एक्स्ट्रा वेट करना पड़ता है, तो 3 months एक्स्ट्रा वेट करने के बाद ये ब्लैक कलर का टोयोटा क्रिस्टा बनता है और तभी आपको मिल पाएगा। ये जो टोयोटा क्रिस्टा है, इसका एवरेज माइलेज मुझे 8, 9, 10 तक मिल जाता है, लेकिन जब मैं हाईवे पे चलाता हूँ, कंपनी का दावा है कि 15 मिल जाएगा आपको, लेकिन 15 बहुत मुश्किल से मिलता है, 11 से 12 एवरेज मिला है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस गाड़ी का बहुत सही है, मतलब भाई साहब मैं क्या बोलूँ आपको, सीट बहुत कंफर्टेबल है। बेस्ट पार्ट है स्टेयरिंग का कि ये पूरा लेदर स्टिच्ड है, लेकिन ऊपर का पार्ट थोड़ा स्मूथ और टेंडर टाइप का रखा गया है, तो यहाँ पे जब आप रोटेट करते हो, जब आप स्टेयरिंग घुमाते हो, तो वो फील, वो मज़ा अलग है इस गाड़ी में, बिल्कुल वो एक अलग लेवल का फील आता है। इंडियन कंज्यूमर्स को टोयोटा इनोवा जितना पसंद है, उतना शायद ही कोई गाड़ी कम्पीट कर पाए। टोयोटा के हर एक गाड़ी, मतलब एक अलग ही जापानीज कार ब्रांड है, तो उसका उस हिसाब से जापानीज बिलीव इन क्वालिटी, तो इनोवा का अलग ही क्वालिटी है। जो कस्टमर इनोवा पे पैसा डालता है या डालती है, उसको ऐसा लगता है कि मैंने पैसा इनोवा पे डाला है। माई मनी इज गोइंग टू बी वर्दी, एंड इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी वर्दी, क्योंकि मैं इनोवा चला रहा हूँ अभी, और जो फील है भाई साहब, मजा आ गया बिल्कुल। तो ठीक है, अभी मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ, और ज्यादा बड़बड़ ना करते हुए इस गाड़ी को चला के फिर वापस से घर जाता हूँ, और घर जाके इस वीडियो का एंडिंग करता हूँ। और अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस में कोई भी कमी मुझे नजर आया, फट से मैं व्लॉग पे बताऊंगा, क्योंकि आपको तो पता है भाई, एवी के साथ जो भी होता है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं जल्दी से घर, और एंजॉय कीजिए कुछ शॉट्स, और घर जाके बाकी बातें कंप्लीट करते हैं, लेट्स गो। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ ये अपना वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा इनोवा क्रिस्टा, तो आप कमेंट सेक्शन पर बताओ कि आपको ये गाड़ी कैसा लगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत दिन से ट्रैवलिंग नहीं हो पाया, इसलिए गाड़ी के ऊपर वीडियोस बना रहा था, लेकिन बहुत जल्द मेरा ट्रैवलिंग स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम दिसंबर, सो वेट एंड वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग अशोक ब्लॉग, स्टे होम स्टे सेफ, हेल्प स्टॉप कोरोना वायरस, एंड अशोक ब्लॉग साइनिंग ऑफ। साइनिंग ऑफ होने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इनोवा क्रिस्टा का जो इंजन नॉइस है वो थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता था। बाय।